रोटेशन में दर्द है अभी आपको? नहीं, कल से बेटर है। कल से बेटर है? हाँ। अभी रोटेट करिए, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ पे पेन हो रहा है। यहाँ तक जा रहा है? हाँ, इसके आगे जाता है पेन पेन होता है। और यहाँ ये इतना जा रहा है? नहीं, इससे ऊपर, इससे ऊपर में पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। यहीं पर पेन हो रहा है? ये पेन हॉस्पिटल। हाँ, पीछे कर लिए? पीछे जाता है, पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन पहले था? नहीं, पीछे अगर मैं स्ट्रेट लेके जाता हूँ तो पेन है। अच्छा, ऐसा ऐसा लेते हैं? हाँ, स्ट्रेट जब जाता हूँ तो बहुत पेन होता है। ओके, करते होते नहीं, ऐसे इसमें कोई पेन नहीं। साइड में भी कोई पेन, यहाँ पर हल्का लगता है। हाँ। इस साइड में नहीं है। दर्द दे रहा है? हाँ। कहाँ पे? सेम आज सेम। हाँ, यहाँ पे जाना है। और जाना है? ठीक। जो पेन है यहाँ पे अभी आया है, ये हो रहा है अभी लाइटली। अभी मूवमेंट करके देखिए। अब मूवमेंट पे पहले से यहाँ पेन हो रहा था ना? हाँ, ये पेन नहीं है, ये हल्का सा यहाँ पे आ रहा है बस। वो मस्कुलर पेन जो होता है उस टाइप का, उस टाइप का। हाँ, मूवमेंट में दर्द यहाँ पर इतना करने के बाद वो भी यहाँ पे इधर तो कंप्लीट जा रहा है। कंप्लीट जा रहा है? हाँ, यहाँ पे अगर एक्सट्रीम अगर थोड़ा सा लेते हो तो हल्का सा। हाँ, तो कल आप बोल रहे थे ऐसे चिन टचिन करे तो हो रहा था? नहीं, उसमें भी कम है, पहले इतना नहीं जा रहा था। हाँ, हल्का सा टच भी के तो रहा था अभी, लेकिन ठीक है। बैक यहाँ पे अभी शोल्डर बचा है, ये जो है, ये जो है ये पोर्शन है। हाँ, ये आपको पेन तो दे नहीं रहा। हाँ? बस वो मस्कुलर, वो सिर्फ आप थोड़ा लीन हो जाते हैं। हाँ। या फिर पोस्चर बरोबर नहीं रहता है, लीन हो जाते हैं थोड़ा सामने। हाँ। तो फिर आपको ये तो होता है, तो होता है, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे भी होता है आपको? नहीं, वहाँ पे तो अभी नहीं हुआ है। नॉर्मली कभी होता है, जब मैं कभी होता है सिटिंग करता हूं वो एक्चुअली ये मसल की वजह से है। ओके। और जैसे मैंने कल टेस्ट किया था, इसको करिए ऐसे नीचे, नीचे रोक के रखना है। यहाँ पे ज्यादा होता है आपको पेन कंपेयर टू यहाँ से। तो थेरेपेटिक करते हैं आज इसको और क्लियर कर देते हैं एक ही बार में। ठीक है, कोशिश करते हैं एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। ठीक है। और हेलमेट पहनते समय आपको कहाँ पे होता है प्रॉब्लम? ये यही शोल्डर वाला, यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो यहाँ पे सर्वाइकल के वजह से है। ओके। अभी ये कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक लग रहा है। ठीक मतलब इन सेंस क्या लग रहा है? मैक्सिमम तो पेन जो था मसल का है। हाँ, तो रिलीज हो गया। रिलीज हो गया? कंप्लीट रिलीज हो गया? थोड़ा कंप्लीट नहीं हो सकते। हाँ, 90% तक, 90% तक रिलीज है। और 5-10% होता है थोड़ी देर बाद। हाँ, जैसे आपको पिछली बार भी यही हुआ था। हाँ, बाद में फिर वो 1-2 घंटे के बाद। हाँ, 1-2 घंटे के बाद रिलीज होता है। हाँ। और यहाँ पे जो पेन था आपका? हाँ, वो नहीं है। वो भी नहीं है ना? हाँ। और यहाँ पे जो बोल रहे थे आप पेन? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी? हाँ। और हेलमेट पहन के देखिए एक बार, 1-2 किलोमीटर कुछ चला कर दे। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। कुछ होगा तो मुझे बता। ठीक। नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। नहीं। ये तो आपका क्लियर हो गया था उस दिन ही? हाँ, ये तो क्लियर हो गया था। हाँ, जो बैठते हो ना आपका कितना कितना वर्किंग टाइम है?
सर कभी चेंज कंटिन्यू अगर सिटिंग में बोलते 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं 3-4 घंटे बैठते हो ना, तो एवरी 40 to 45 मिनट्स मिनिमम 40-45 मिनट्स में आपने उठना है, 2-3 मिनट वॉक करना है, वॉक करना है, कंटिन्यूस नहीं बैठना है। कंटिन्यूस बैठने से सिर्फ 2-3 मिनट, ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं। एवरी 40 या एटलीस्ट 1 आवर के बीच में वॉक करना है। और अपना बैठने का पोस्चर कैसा है, चेयर कैसा है, क्योंकि आपको जो कुछ भी हुआ है वो बैठने की वजह से ही हुआ है। तो कैसा है, चेयर तो यही है, सपोर्टिंग वाली चेयर है, सपोर्टिंग है, ये हाई नहीं है, हाँ यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। हाँ, आप स्ट्रेट बैठते हो या लीन होकर बैठते हो या पीछे नहीं, मैं पीछे। हाँ, तो एकदम एग्जाम एग्जाम का हो रहा है, फिर ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, जो वैसा एकदम जो हाँ होता है, नहीं वैसा नहीं करना। वैसा करेंगे तो फिर वो एक्चुअली क्या है, 90 डिग्रीज में बोलते हैं, लेकिन 90 डिग्रीज में बैठने से क्या पोस्चर ऑटोमेटिक सामने जाता है। तो उसके लिए अपन ने ना 10 to 15 डिग्री थोड़ा पीछे लेना, ऐसा ही बैठना है। और ये जो हैंड रेस्ट रहता है ये ऐसे ही रहना है। और ये जो आपका ये है ये 90 डिग्रीज रहना है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ छोटा स्टूल आता है वो लगा देना, लेकिन ये जो है ये जो है ये ऐसा नीचे नहीं रहना, ये 90 डिग्रीज रहना है, 90 डिग्रीज रहना है। हाँ, और ये 90 डिग्रीज नहीं रहना है। एक्चुअली बोलते हैं कि 90 डिग्रीज रहना है, लेकिन वो सही है, लेकिन 90 डिग्रीज रहने से क्या होता है, सामने थोड़ा थोड़ा लीन होता है, तो स्ट्राइकली 10 to 15 डिग्री थोड़ा पीछे रहना। और कुछ नहीं, और एवरी 40 मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1 आवर से ज़्यादा नहीं होते ना, एक 2-3 मिनट चल रहे ना, तो वो थोड़ा उस जोन में नहीं रहता, थोड़ा जोन से निकल जाता है। अच्छा, और कोशिश बिल्कुल भी लीन होने का कोशिश नहीं करना। अच्छा, समझो आपका काम यहाँ पे है, तो आपने आगे चले जाना लेकिन ऐसा ही बैठ के करना है। और जो कंप्यूटर का लेवल रहता है, एक कंप्यूटर रहता है आपके पास, दो रहते हैं, बस दो स्क्रीन है ना, तो दो को बाजू बाजू लगाना है ताकि आपका विजन भी ऐसा रहे, और दोनों का स्क्रीन भी थोड़ा ऐसा रखना है कि आपके ऐसा हो। हाँ, नहीं तो अगर नीचे रखेंगे, आप नीचे देखोगे, नीचे देखने से बॉडी ऑटोमेटिक थोड़ा लीन होने का पॉसिबल रहेगा, तो आप उतना स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा भी इतना रखोगे आपके आई लेवल के उधर, तो आपका लीन होने का वो नहीं रहेगा। और कीवर्ड्स पे तो ध्यान देते नहीं, आपका तो प्रैक्टिस रहता है कि ये दबाया वो दबाया, ऐसा नहीं रहता, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये इतना रहे, ये 90 रहे, नीचे कुछ लगा लेना, और ये 90 डिग्रीज में नहीं रहना, 110 डिग्री में रहना है, थोड़ा सा लीन होना है और ऐसा रहना है। और आपको ऐसा चाहिए तो आपने सामने जाना है, चेयर सामने जाना है। ओके, ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, कैसा है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर आपका, सर्विस भी अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छा है।